तो अभी हम आए शस्त्र घर में, महाराणा प्रताप के शस्त्र हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये उनका भाला है, उनकी ओरिजिनल तलवार है ये। एंट्रेंस का गेट, अभी यहाँ से हम अंदर जाने वाले पैलेस देखने के लिए। यहाँ पर दो तोप लगाए हैं, ये देखिए, यहाँ एक है, यहाँ पर एक है। सी हम पैलेस में एंट्री होते हैं यहाँ से मेन गेट से। तो ये देखिए, ये है जाली जो टाइगर को पकड़ने के लिए थी। वहाँ पर एक बकरा को बांध देते थे, यहाँ से खोल देते थे, यहाँ से अगर जा रहा है बकरा खाने के लिए तो वहाँ बकरा भी नहीं मिलता था, और ये लगा देते थे तो अंदर शेर फंस जाता था। और ये चित्ता पकड़ने का, मैं पैलेस के अंदर आ चुका हूँ। ये एंट्रेंस का गेट है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इतना विशाल पैलेस है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये जो है ना पत्थर, इसके बाजू में थोड़ा उबड़ खाबड़ दिख रहा है, इस तरफ से दिखाता हूँ, दिख रहा है, यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नीचे है। तो ये है हाथी का बेड। हाथी को फ्लैट सोने में दिक्कत होती है, इसलिए वो ऐसे सोता था, ऐसे यहाँ पर बांधते थे। कितने हाथियों का था देखो यहाँ पर। तो अभी हम आए शस्त्र घर में, महाराणा प्रताप के शस्त्र है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये उनका भाला है, उनकी ओरिजिनल तलवार है ये। जो मैंने आपको स्टोरी बताई उधर हल्दी घाटी में, यहाँ पर उसका वर्णन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो हाथी है जिसके हाथ में, जिसके सूंड में तलवार है, और ये महाराणा प्रताप के चेतक के घोड़े का पैर जख्मी हो गया। फिर चेतक घोड़ा यहाँ से दौड़ते हुए अपने स्वामी की रक्षा के लिए इस नदी के झील को, पानी की झील को खांग कर तीन पैरों पर यहाँ जाके हल्दी घाटी में अपने प्राण त्याग देता है। बहुत ही सुंदर है पैलेस। हम तकरीबन 4 मंजिल ऊपर आए हैं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं महल के अंदर इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। वो महल के अंदर 4 मंजिल के ऊपर स्लैब के ऊपर कैसे टिके, मतलब ये आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे कोई कमरा नहीं है, ये पूरा एक पर्वत है, और पर्वत को ही दीवार चढ़ा के उसको महल का आकार दिया गया है। और यहाँ पे ये जो दीवार है, इस दीवार के उस तरफ हाथी और इस तरफ हाथी रहता था, और दोनों की टक्कर हो जाती थी, और जो हाथी का पैर दीवार से आके लगता था वो हाथी जीत जाता था। ये देखिए, यहाँ पर ये है वेटिंग स्केल, इस पर अगर बैठ गए तो ऊपर आपको दिख रहा है ये, इस पर आपको वजन दिखाएगा। पुराना महाराज का वेटिंग स्केल है। ये रहा राजा रानी का गेस्ट रूम, वहाँ पर राजा बैठते थे और ये वहाँ पर गेस्ट बैठते थे। और यहाँ पर राजा रानी भी है, उनके प्रतिमा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा राजा, ये रही रानी, बराबर, चल थोड़ी देना। ये रहा उनकी सवारी टांगा, जो बोलते थे ना महाराज जाते थे बैठ के। ये चेतक है ना,